जनपद बदायूं में कुल 6 विधानसभा हैं और 6 विधानसभाओं में कुल 2734 हमारे पोलिंग बूथ बने हुए हैं। सभी बूथों के लिए आज मंडी परिसर से पार्टियां रवाना हो रही हैं। ये सभी पार्टियां अपने निर्धारित जो वाहन हैं उनमें बैठ के शाम तक अपने सभी पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएंगी। सभी बूथों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की सभी जगह नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पूरे जनपद में हम लोगों ने 225 सेक्टर में डिवाइड करके प्रत्येक सेक्टर में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक विधानसभा में 4 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए हैं, जो निरंतर अपने क्षेत्र में गतिशील रहते हुए कानून और व्यवस्था और मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। सभी बूथों पे मतदाताओं के लिए कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा जितनी पोलिंग पार्टियां हैं सभी के लिए कोविड किट, आयु रक्षा किट उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। कितने क्रिटिकल ऐसे बूथ हैं जहाँ पे जो है संवेदनशील हैं, उनको क्या व्यवस्था? जनपद में टोटल 282 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों पर ये क्रिटिकल को शामिल करते हुए सभी पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा 1432 केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा है और जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उन सभी पर माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। 102 कंपनी और 2 प्लाटून CPMF के, 3 कंपनी PSC और 6000 होमगार्ड, 6000 कॉन्स्टेबलरी, 500 लगभग इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स, ये सारा पुलिस बल आया हुआ है। और प्रत्येक जो मतदान केंद्र है, कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं जहां पे CPMF न लगाया जाए। 100% मतदान केंद्र CPMF से आच्छादित है। और जो मतदान केंद्र 5 और उससे ज़्यादा बूथों वाले हैं उनमें दोना CPMF का आच्छादित से किया गया है। और इसके अलावा हमारे 168 क्रिटिकल मतदान हैं। सारे मतदान केंद्रों पे यथासंभव जो भी मानक रहा है उसके हिसाब से पुलिस बल लगाया गया है। सब इंस्पेक्टर्स लगाए गए हैं, हमारी मोबाइल पार्टीज़ लगाई गई हैं और इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक 10 मिनट पे कोई ना कोई मोबाइल पार्टी भी पोलिंग सेंटर पे पहुंचती रहे। आज यहाँ पे मंडी में अपने अपने बूथों पर जाना वाला पुलिस बल अपने अपने जो पोलिंग पार्टी है उसके साथ अपने निर्दिष्ट बसों में बैठ करके भी यहाँ से प्रस्थान कर रहा है और ये लोग पोलिंग सेंटर पर पहुँचेंगे और वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। हम लोगों ने, हमारे पास जो उपलब्ध सरकारी जो 2 ड्रोन कैमरे थे उसका भी हम आवश्यकतानुसार यूज़ करेंगे और परफेक्ट सुरक्षा व्यवस्था के तहत इस चुनाव जनपद बदायूं में होगा। बदायूं में द्वितीय चरण में 14 फरवरी को कल मतदान होना है, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होना है। यहां पर 102 कंपनियां, पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा जो है 6000 होमगार्ड, 6000 पुलिस के जवान और 500 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है। पूरे जनपद को 225 सेक्टर में बांटा गया है, जिनमें हर विधानसभा पर 4 जोनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। पूरे जनपद में 2734 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिनको कड़ी निगरानी में मतदान किया जाएगा। इसके अलावा पूरे जनपद में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। और कोविड गाइडलाइन की अगर बात करें तो कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत जिले में मतदान किया जाएगा। हर मतदान केंद्र पर कोविड डेस्क की भी स्थापना की गई है। फिलहाल पूरे जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन कल मतदान कराएगा। राहुल सक्सेना, पंजाब केसरी, बदायूं।